scared. Hey guys, my name is Aditya and welcome back to the channel. So, title से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज काफी ज़्यादा interesting और काफी ज़्यादा खतरनाक stunt करने जा रहा हूँ मैं. And पहले disclaimer दे रहा हूँ, ये disclaimer सिर्फ मेरी मम्मी के लिए है. आज सुबह मैं मम्मी को फोन किया था और बोला कि मैं दीप्तिमान के साथ जा रहा हूँ घूमने. तो मम्मी ने कहा कि पानी के पास और पहाड़ के पास नहीं जाना. सो टेक्निकली मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ मम्मी, पानी और पहाड़ के पास नहीं जा रहा हूँ. लेट्स गो, आई एम वेरी एक्साइटेड. एक्साइटेड भाई? हाँ भाई, बहुत एक्साइटेड. बहुत ज़्यादा पहली बार फट रही है ना. चलो हम लोग जस्ट अभी यहाँ पे पहुँच गए बंजी जंपिंग के लिए एंड एक लड़की कूदने वाली है. आई गेस उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तब से बेचारी 5 मिनट से वहाँ खड़ी है. शी इज अबाउट टू जंप. ओए 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 भाई. भाई पैसे दे दिया तू? हाँ पैसा दे दिया भाई. रिफंड मिल सकता है? अरे यार बहुत 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 फट रही है भाई. चलो तो फाइनली बहुत सारा हम लोग रूल खाने के बाद यहाँ पहुँच गए. सबसे पहले तो एक फेस वॉश की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, बहुत ज़रूरी है. बहुत धूल का, अरे आँखों में नाकों में सब जगह धूली धूल गया हुआ है यार. बहुत डर लग रहा है भाई मेरे को. बहुत डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है भाई. अच्छा तो ये जो है हम लोग आए हैं, ये है इंडिया बंजिंग, इंडिया बंजी इंडिया. ओके सो दिस इज़ द बिग इंडियाज़ बिगेस्ट बंजी जंपिंग. मतलब इनके बिगेस्ट मतलब उनका लोकेशन ज़्यादा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में. भाई देख, अगर जिंदा ने पूछे तो ये फॉर्म काम आएगा. आज डेट क्या है? डेट आप वहाँ पर चेक कीजिए. कल ही चेक किया था उसमें. फर्स्ट में आपका नाम आएगा, यहाँ पर भी आपका नाम, चेंज एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में फैमिली का नंबर डालना है. इसमें जो पूछा गया है इसमें जवाब दो. सिग्नेचर मिल गया. कितना सेफ है? बहुत सेफ. तो जो 99.9% नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके जो नीचे गिरने के चांसेस हैं वो 0%. अच्छा, आप नीचे नहीं गिरेंगे. सेफ हम लोग डबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं. तो अगर एक फंक्शन भी फेल होता है तो दूसरा सेकंड ऑप्शन है वो आपको सेव कर लेता है. बाकी एडवेंचर स्पोर्ट है सर. थोड़ा बहुत अगर ब्रूजेज आ जाए या स्क्रैचेस आ जाए वो तो ठीक है. मतलब ऋषिकेश तो नीचे नहीं होता है उनका. नहीं, ऋषिकेश तो 86 फीट 86 मीटर आपका नेट है, वहाँ पे तो नेट नहीं रहता. जगह बहुत बड़ी है. हां हां वहाँ सीधा डुबकी लगती भाई, गया तो डुबकी. तो ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म वॉर्म फिलअप कर दिया. अगर हमें कुछ होता है तो कॉल जाएगा घर पे. एंड ये है जहाँ हम लोग ऊपर जाने वाले हैं. एंड एक्चुअली क्या है कि इनके पास भी ड्रोन रहता है और ये लोग ड्रोन से फोटोज लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो ड्रोन है उसमें 4K रिकॉर्डिंग होगा. इनके पास वाले में सिर्फ 1080p था, इसलिए हम लोगों ने अपना ड्रोन इनको दे दिया. वो अभी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि सही से उड़ रहा है या नहीं. तो डर तो लग रही है बट ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है. सारा लूज आइटम हमने निकाल दिया है, वहाँ रख दिया है इनके लॉकर में. एंड चश्मा भी मैंने निकाल दिया है. चलते हैं रेडी होने सूटा. और यहाँ पे आज पहले जो लोग आए थे वो लोग चले गए, बस हम लोग बचे हैं, मैं और दीप्तिमान. पहना दो भैया. हाँ जी, क्यों मुझे नहीं जाना चाहिए क्या? अच्छा अगर ऊपर जाके अवॉर्ड कर दिया तो पैसे रिफंड मिलेंगे? नहीं मिलेंगे.
ये यहाँ हमारा वेट लिखा गया है 74 और ये डी लिखा गया है, मतलब ड्रोन वाली वीडियो हम लेने वाले हैं। एंड इस हाथ पे हमारा नंबर लिखा गया है 7179, इट मीन्स 1178 लोग जा चुके हैं, हम लोग 7179 वाले लोग हैं। चलो बढ़िया रो पाया यार, भारी है, नाइस। आज हमारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है, प्लीज़ बी गुड, हमें सही सलामत नीचे ले आना। जर्नी हैज बिगन, आंख बंद करके जंप करेगा या आंख खोल के जंप करेगा, दिखेगा ना तुझे क्या देखेगा अबे। लेकिन ये रूल बेकार है यार, देख एक चीज मेरे को समझ जाता है, पैसे भी मैंने दिए, गार्ड भी मेरी पड़ी, हां वही है, इसलिए वो एडवेंचर स्पोर्ट्स का वही है। मैं जंप करूं तो मेरे को पैसे मिलने चाहिए, यहां भाई तू जंप किया भाई ले पैसे। क्या नजारा है यार, नजारा भाई मेरी फट रही है नजारा देख के, मेरे को हाइट से डर लगता है भाई, ओवरकमिंग वन ऑफ माय फियर। लुक एट द लेग, ब्यूटीफुल, अरे वाह लेक बढ़िया लग रहा है सीरियसली, वाओ इट्स ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बिल्कुल नहीं है भाई, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस भाई, अवार्ड कर लेंगे 1200 रुपए जाएंगे ना, कुछ अवार्ड नहीं करने का भाई, 1800 भाई, प्लीज प्लीज भाई प्लीज ब्रदर मैन प्लीज, नो अब बहुत डेंजर लग रहा है मेरे भाई। फाइनली वो ऊपर आ चुके हैं हम लोग, व्यू तो काफी बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है यार, नीचे से कम ऊपर लग रहा था यार, ऊपर से बहुत ऊपर है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। भैया मैं क्या बताऊं, वहां से जंप किया हूं यार, हेलो ऑल गुड, क्या
भाई पूछ मत यार, ये सब तो ठीक है, जूते कहाँ गए? कहाँ गया? एक दूसरा कहाँ है? जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, घूम के जाऊँगा, इधर से जाऊँ क्या? कैसा हुआ था कि जब मैं जंप मारा तो मेरे जूते निकल गए, पहले एक जूता निकला एंड उसके बाद फिर दूसरा जूता भी निकला। तो एक जूता यहाँ है तो, और एक जूता यहाँ है। हमने जंप मारा था वहाँ से, ये एक सेफ्टी नेट लगा रखा है इन लोगों ने यहाँ पे, बहुत अच्छा किया है इनकी वजह से, शायद मेरे जूते इन पे ही बाउंस करके इधर उधर गए हैं यार। बट सीरियसली मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जैसे ये कि जितना ज़्यादा टाइम आप लगाओगे मन ऊपर, उतना ज़्यादा डर बढ़ता जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मैं फटाक से जंप मारा। ऑलराइट, तो थोड़ा पानी वानी पी लिया हम लोगों ने, सब कुछ सेट हो चुका है। एंड अगर आप लोग प्लान कर रहे हो पुणे में बंजी जंपिंग करने का, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई टेल यू। मतलब मेरे को दूसरों का पता नहीं है, बट फिर भी ये काफ़ी बढ़िया है। आप ये उनका गेट है, थोड़ा दूर है, आउटस्कर्ट्स में है, बट ठीक है, हिंजेवाड़ी से पास है। अगर आप प्रॉपर पुणे सिटी से अगर आ रहे हो तो थोड़ा दूर होगा, हिंजेवाड़ी से पास है तो आप आ सकते हो। ये एंट्रेंस है इनका, यहाँ पे रिसेप्शन है एंड बहुत ही अच्छे लोग हैं, काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम लोगों ने कैमरा एंगल के लिए, मतलब व्लॉग के लिए कैमरा एंगल सेट करने के लिए इनको बोला, हमें एक यहाँ से भी कैमरा चाहिए, वहाँ पे चाहिए, ऐसे एंगल में चाहिए, वैसे एंगल में चाहिए, और दे वो ओके विथ एवरीथिंग। उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करना है, ठीक है कर लेते हैं। इनफैक्ट अगर कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं था तो उसका वर्क अराउंड भी दिया कि ठीक है सर ऐसा कर लेते हैं, ऐसा ना करें, ऐसा करते हैं। तो बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे, हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। इनका वेबसाइट भी है जहाँ पे आप जाके प्राइसेस वगैरह एंड बुकिंग भी आप वहाँ से ही कर सकते हो। तो अगर आप पुणे में बंजी जंपिंग कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ से डेफिनेटली करना। एंड ये 60 मीटर्स का है, यहाँ से देखो, यहाँ से ना ज़्यादा लंबा नहीं लग नहीं रहा, ज़्यादा ऊंचा नहीं लग रहा, लेकिन ट्रस्ट मी भाई, ये अगर जब ऊपर जाओगे ना तो पता चलेगा। इसके लिए रेफरेंस के लिए अपार्टमेंट में जाओ, 11th या 12th फ्लोर पे चले जाओ एंड वहाँ से नीचे देखो, और उसके बाद जो डर का महसूस होगा, एहसास होगा, वही एहसास लेकर हम लोगों ने जंप किया था। मतलब मैं तो जब जंप किया था, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं जंप कर चुका हूँ, मैं लग रहा था कि कुछ तो अजीब ही लगा मेरे को, कुछ तो अजीब लगा, मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था, मैं देखा कैसे चिल्ला मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा हूँ कुछ तरह, मतलब ऐसा लगा, मतलब कुछ तो अजीब सा लगा मेरे को। मतलब आज मेरे को पता चला 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, आज समझा है मेरे को पूरा फिजिक्स बढ़िया से। भाई भाई तेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस यार? बहुत ही सही एक्सपीरियंस, मजा आ गया ना, लाइक स्काईडाइविंग में सोच कैसा लग रहा होगा भाई, कंटीन्यूअसली 2 मिनट तक ऐसा होगा भाई। सही में यार, इधर जो मतलब 2 सेकंड भी नहीं था, ये 1 सेकंड था, सिंपल 1 सेकंड, 1 सेकंड। हां चलो फिर चलते हैं अब भाई, चलो लेट्स गो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, बाय। अब हम लोग यहां से निकल रहे हैं फटाफट, और भूख तो लगी है, हाँ, सुबह हम लोगों ने सैंडविच खाया था, वैसे उतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगी है, वो एक्साइटमेंट ने सारा डोपामिन दूसरी जगह चला गया, भूख में यूटिलाइज ही नहीं हो पाया कुछ भी, वो डर से पेट भर गया हमारा। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पे, एंड कमेंट भी कर दीजिए अगर मेरी चीख सुन के अगर आप लोगों को मजे आए तो कमेंट कर देना। एनीवेज मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एडियोस। अरे हाँ मम्मी सॉरी।